मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या होना को बोलते हैं जेलसी। और इस कंप्लीट सेंटेंस को हम बोलेंगे आई एम नॉट इनवियस ऑफ एनी वन। आई एम नॉट इनवियस ऑफ एनी वन मीन्स मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है। मैं उसकी ईमानदारी का कायल हूँ। आई एम कन्विंस्ड ऑफ हिज ऑनेस्टी। आई एम कन्विंस्ड ऑफ हिज ऑनेस्टी मीन्स मैं उसकी ईमानदारी का कायल हूँ। मैंने उन्हें उनकी शानदार सफलता के लिए बधाई दी। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस मीन्स मैंने उन्हें उनकी शानदार सफलता के लिए बधाई दी। आप उससे मेरी तुलना नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कंपेयर हिम विथ मी। यू कैन नॉट कंपेयर हिम विथ मी मीन्स आप उससे मेरी तुलना नहीं कर सकते। उसने मेरे खिलाफ साजिश की। ही कंस्पायर्ड अगेंस्ट मी। ही कंस्पायर्ड अगेंस्ट मी मीन्स उसने मेरे खिलाफ साजिश की। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ मीन्स अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वह अपने दोषों के प्रति अंधा है। ही इज ब्लाइंड टू हिज फॉल्ट्स। ही इज ब्लाइंड टू हिज फॉल्ट्स मीन्स वह अपने दोषों के प्रति अंधा है। वह एक सम्मानित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। ही बिलोंग्स टू अ रिस्पेक्टेड फैमिली। ही बिलोंग्स टू अ रिस्पेक्टेड फैमिली मीन्स वह एक सम्मानित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वह अपने वादे से पीछे हट गया है। ही इज बैक्ड आउट हिज प्रॉमिस। ही इज बैक्ड आउट हिज प्रॉमिस मीन्स वह अपने वादे से पीछे हट गया है। हमें स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाना चाहिए। वी शुड अवेल आवर सेल्व्स ऑफ द गोल्डन चांस। वी शुड अवेल आवर सेल्व्स ऑफ द गोल्डन चांस मीन्स हमें स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाना चाहिए। मेरे पास उपस्थित हों। अटेंड टू मी। अटेंड टू मी मीन्स मेरे पास उपस्थित हों। वे अपनी बातों से हमें प्रभावित करते हैं। ही इज इम्प्रेस्ड अस विद हिज टॉक्स। ही इज इम्प्रेस्ड अस विद हिज टॉक्स मीन्स वे अपनी बातों से हमें प्रभावित करते हैं। मैं ये रोज रोज खाकर थक गया हूँ। कैसे बोलेंगे? आई एम फेड अप ऑफ ईटिंग इट डेली। आई एम फेड अप ऑफ ईटिंग इट डेली मीन्स मैं ये रोज रोज खाकर थक गया हूँ। आई एम फेड अप ऑफ ईटिंग इट डेली। मैं अपना समय काट रहा हूँ। आई एम पासिंग माई टाइम। आई एम पासिंग माई टाइम मीन्स मैं अपना समय काट रहा हूँ। आई एम पासिंग माई टाइम। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाई यू। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाई यू मीन्स मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाई यू। क्या तुमने हाल ही में उसे देखा है? हैव यू सीन हिम रिसेंटली? हैव यू सीन हिम रिसेंटली मीन्स क्या तुमने हाल ही में उसे देखा है? हैव यू सीन हिम रिसेंटली? उसकी नज़र उतार दो। बार्ड ऑफ द ईविल आई ऑफ हर। बार्ड ऑफ द ईविल आई ऑफ हर मीन्स उसकी नज़र उतार दो। बार्ड ऑफ द ईविल आई ऑफ हर। उसकी काली जुबान है। ही हैज़ ब्लैक टंग। ही हैज़ ब्लैक टंग मीन्स उसकी काली जुबान है। ही हैज़ ब्लैक टंग। अपनी लार मत टपकाओ। डोंट ड्रॉल। डोंट ड्रॉल मीन्स अपनी लार मत टपकाओ। डोंट ड्रॉल। तुमने मुझे शर्मसार कर दिया। यू पुट मी टू शेम। यू पुट मी टू शेम मीन्स तुमने मुझे शर्मसार कर दिया। यू पुट मी टू शेम। चाय छान दो। स्ट्रेन द टी। स्ट्रेन द टी मीन्स चाय छान दो। स्ट्रेन द टी। दूध उबाल दो। बॉयल अप द मिल्क।
Boil up the milk means दूध उबाल दो. Boil up the milk. आंच धीमा कर दो. Turn down the heat. Turn down the heat means आंच धीमा कर दो. Turn down the heat. दूध फट गया है. Milk has turned sour. Milk has turned sour means दूध फट गया है. Milk has turned sour. आलू छील दो. Peel the potatoes. Peel the potatoes means आलू छील दो. Peel the potatoes. मसाले मिला दो. Mix the spices. Mix the spices means मसाले मिला दो. Mix the spices. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. प्याज काट दो. Chop the onion. Chop the onion means प्याज काट दो. Chop the onion. लहसुन को थोड़ा पीस लो. Mince the garlic. Mince the garlic means लहसुन को थोड़ा पीस लो. Mince the garlic. खाना बहुत तीखा है. The food is very spicy. The food is very spicy means खाना बहुत तीखा है. The food is very spicy. यह अभी नहीं पका है. It's not cooked yet. It's not cooked yet means यह अभी नहीं पका है. It's not cooked yet. तुम्हारी बहुत गंदी सोच है. You have very bad mentality. You have very bad mentality means तुम्हारी बहुत गंदी सोच है. You have very bad mentality. तुमने तो मुझे डरा ही दिया था. You had just made me scared. You had just made me scared means तुमने तो मुझे डरा ही दिया था. You had just made me scared. क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? Are you getting my point? Are you getting my point means क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? Are you getting my point? मुझे उसका चेहरा याद नहीं है. I don't remember his face. I don't remember his face means मुझे उसका चेहरा याद नहीं है. I don't remember his face. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़. आज की इस वीडियो में हम उन सेंटेंसेस को सीखने वाले हैं जिनको हम किसी से मिलने पर या फिर ड्यूरिंग मीटिंग हम उनको यूज़ करते हैं. तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस के साथ. आपके आने से बड़ा आनंद रहा. कैसे बोलेंगे? इट्स बीन नाइस सीइंग यू. इट्स बीन नाइस सीइंग यू मींस आपके आने से बड़ा आनंद रहा. इट्स बीन नाइस सीइंग यू. अब कब मुलाकात होगी? कैसे बोलेंगे? व्हेन डू आई सी यू अगेन. When do I see you again? Means अब कब मुलाकात होगी. When do I see you again? या फिर इसके अलावा हम बोल सकते हैं When shall we meet again? When shall we meet again? Means अब कब मुलाकात होगी. आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई. I am glad to see you. I am glad to see you. मीन्स आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई. आई एम ग्लैड टू सी यू. एक जरूरी काम आ गया है. देयर इज समथिंग इम्पॉर्टेंट टू यू. देयर इज समथिंग इम्पॉर्टेंट टू यू मीन्स एक जरूरी काम आ गया है. देयर इज समथिंग इम्पॉर्टेंट टू यू. आप उस दिन क्यों नहीं आए? वाई डिडंट यू कम दैट डे. Why didn't you come that day? Means आप उस दिन क्यों नहीं आए. Why didn't you come that day? तुम गलती पर हो. You are mistaken. You are mistaken.
means तुम गलती पर हो, you are mistaken, या फिर हम बोल सकते हैं you are at fault means तुम गलती पर हो, you are at fault. तुम बहुत दिनों से नज़र नहीं आए, long time no see means तुम बहुत दिनों से नज़र नहीं आए, long time no see. या फिर हम बोल सकते हैं didn't see you for a long time means तुम बहुत दिनों से नज़र नहीं आए. उन्होंने आपको याद किया है, He has asked for you means उन्होंने आपको याद किया है, He has asked for you. अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, My work is not yet over means अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, My work is not yet over. मैं आपसे सलाह लेने आई हूँ, I have come to seek your advice means मैं आपसे सलाह लेने आई हूँ, I have come to seek your advice मुझे तुमसे बातें करनी है, I wish to talk to you means मुझे तुमसे बातें करनी है, I wish to talk to you आपका बड़ा इंतज़ार किया, I waited long for you means आपका बड़ा इंतज़ार किया, I waited long for you आप आधा घंटा देर से हैं, You are late by half an hour means आप आधा घंटा देर से हैं, You are late by half an hour हम बहुत ही जल्दी आ गए हैं, We have come too early means हम बहुत ही जल्दी आ गए हैं, We have come too early आपका क्या हाल चाल है, How are you means आपका क्या हाल चाल है, How are you उससे मेरा परिचय करा दो, Introduce me to him means उससे मेरा परिचय करा दो, Introduce me to him हर रोज व्यायाम अवश्य करो, Take exercise daily means हर रोज़ व्यायाम करो, Take exercise daily की जगह पर हमें everyday भी यूज़ कर सकते हैं, Take exercise everyday बहुत समय से उसकी कोई खबर नहीं आई है, I haven't heard about him for long means बहुत समय से उसकी कोई खबर नहीं आई है, I haven't heard about him for long कोई अच्छी खबर सुनाइए, Let's have some good news means कोई अच्छी खबर सुनाइए, Let's have some good news आपका पत्र अभी अभी मिला है, Your letter has just been received means आपका पत्र अभी अभी मिला है, Your letter has just been received उनके आ जाने पर मुझे खबर देना, Let me know when he comes means उनके आ जाने पर मुझे खबर देना, Let me know when he comes फिर मिलेंगे, See you again means फिर मिलेंगे, See you again मुझे अपना पता देते जाइए, Please give me your address
प्लीज गिव मी योर एड्रेस मीन्स मुझे अपना पता देते जाइए प्लीज गिव मी योर एड्रेस अगले एतवार मुझे मिलो मीट मी नेक्स्ट संडे मीट मी नेक्स्ट संडे मीन्स अगले एतवार मुझसे मिलो मीट मी नेक्स्ट संडे उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई इट वॉज नाइस मीटिंग हिम इट वॉज नाइस मीटिंग हिम मीन्स उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई इट वॉज नाइस मीटिंग हिम आप किसी समय भी आइए यू आर ऑलवेज वेलकम यू आर ऑलवेज वेलकम मीन्स आप किसी समय भी आइए यू आर ऑलवेज वेलकम तकल्लुफ मत कीजिए देर इज़ नो नीड फॉर फॉर्मेलिटीज देर इज़ नो नीड फॉर फॉर्मेलिटीज या फिर बोल सकते हैं डोंट बी फॉर्मल मीन्स तकल्लुफ मत कीजिए देर इज़ नो नीड फॉर फॉर्मेलिटीज या फिर बोल सकते हैं डोंट बी फॉर्मल मेरे उसके साथ संबंध बिगड़े हुए हैं कैसे बोलेंगे I am not on good terms with him. I am not on good terms with him. Means मेरे उसके साथ संबंध बिगड़े हुए हैं I am not on good terms with him. हमारे आपसी संबंध बहुत अच्छे हैं We have an excellent relationship with each other. We have an excellent relationship with each other. मीन्स हमारे आपसी संबंध बहुत अच्छे हैं वी हैव एन एक्सीलेंट रिलेशनशिप विद ईच अदर आज की सुहावनी शाम के लिए धन्यवाद थैंक्स फॉर अ प्लेजेंट इवनिंग थैंक्स फॉर अ प्लेजेंट इवनिंग प्लेजेंट की जगह पर हम वंडरफुली भी बोल सकते हैं उसकी जगह या फिर हम लवली भी बोल सकते हैं थैंक्स फॉर अ वंडरफुल इवनिंग या फिर थैंक्स फॉर अ लवली इवनिंग मीन्स आज की सुहावनी शाम के लिए धन्यवाद थैंक्स फॉर अ प्लेजेंट इवनिंग दैट्स इनफ फॉर टुडे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग Subscribe for more videos.